हुआ ट्रक पकड़ा गया। यह कार्यवाही एसटीएफ और बबीना पुलिस ने संयुक्त रूप से अंजाम दी है। पकड़े गए गांजे की कीमत लाखों रुपयों की बताई जा रही है। गुरुवार को एसटीएफ को सूचना मिली कि छत्तीसगढ़ से ट्रक क्रमांक CG18H1552 में गांजे से भरा ट्रक ले जाया जा रहा था। जानकारी मिलते ही एसटीएफ ने अपना जाल बिछा दिया। बबीना हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा के आगे बबीना पुलिस के सहयोग से पुलिस ने घेराबंदी कर दी। जैसे ही ट्रक टोल प्लाजा से निकला, एसटीएफ और पुलिस ने उसे रोक लिया। ट्रक में सवार सभी को भी हिरासत में ले लिया गया। जब ट्रक की तलाशी ली गई तो ड्राइवर केबिन के ठीक पीछे के हिस्से में अलग तरीके का केबिन बनाकर उसमें गांजा छुपाया गया था। गांजे को इस तरह छुपाया गया था कि अगर ट्रक की तिरपाल हटाकर देखा जाता तो पूरा ट्रक खाली नजर आता। पुलिस व एसटीएफ ने ट्रक को कब्जे में लेकर उसमें रखा गांजा बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार गांजे के कई बंडल ट्रक से बरामद हुए। इसकी कीमत और वजन का आंकलन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए गांजे की कीमत लाखों में है। ये बबीना टोल प्लाजा के पास एक ट्रक को एसटीएफ और बबीना पुलिस के द्वारा संयुक्त प्रयास से उसे रोका गया और उसमें से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। ये गांजा अंतर्राज्यीय गिरोह जो ऑपरेटर रहा था उससे बरामद हुआ है। 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 2 वाहन पकड़े गए हैं। गांजा की जो मात्रा है वो 5 क्विंटल से भी अधिक है। तो लगभग कितनी किलो दूर कहाँ से गांजा ये उनका ये कहना है कि ये भिंड की ओर ले जा रहे थे, छत्तीसगढ़ से भिंड की ओर, और ये काफी कीमत है, लाखों में इसकी कीमत बड़ी मात्रा में गांजा है और बहुत राज्यों में इनके द्वारा आपूर्ति की जा रही है और इसके और जो गिरोह के सदस्य हैं उनकी जानकारी की जा रही है। न्यूज़ बीके के लिए बबीना से गोविंद यादव की रिपोर्ट।